डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। मैंने भगवान से कुछ मांगा है। आई हैव बैग्ड समथिंग फ्रॉम गॉड। आई हैव बैग्ड समथिंग फ्रॉम गॉड। ये दिल प्यार के लिए तड़पता है। दिस हार्ट क्रेव्स फॉर लव। दिस हार्ट क्रेव्स फॉर लव। किसने तुम्हें देखा था? Who had seen you? Who had seen you? क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है? Have you served the food to all? Have you served the food to all? आंखें धोखा देती हैं। Eyes are deceptive. Eyes are deceptive. तुमने मेरा दिल दुखाया है। You have hurt me. You have hurt me. राम उसे बहुत प्यार करता है। राम लव्स हर अलॉट। राम लव्स हर अलॉट। हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। We will take a stroll with you. We will take a stroll with you. उसने कुछ नहीं किया। He did not do anything. He did not do anything. उसने मेरे लिए कभी कुछ किया? Did he ever do anything for me? Did he ever do anything for me? वो अधिकतर सीता के साथ खेलता है। He mostly plays with सीता। He mostly plays with सीता। उसने देखने की कोशिश नहीं की। He did not try to see. He did not try to see. मेरे भाई ने किसी लड़की को परेशान नहीं किया। My brother did not bother any girl. My brother did not bother any girl. Guys, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम सभी लोग उस नेता को पसंद नहीं करते। We all people don't like that leader. We all people don't like that leader. क्या ये बातें याद आएंगी तुम्हें? Will you remember these words? Will you remember these words? वो मुश्किल से ही कभी मेरे घर आता है। He hardly comes my home. He hardly comes my home. मैं किस लड़की का भाई हूँ? Which girl's brother am I? Which girl's brother am I? वो मोबाइल से क्या देख रहा है? What is he watching on mobile? What is he watching on mobile? बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। Kids have been watching TV since morning. Kids have been watching TV since morning. मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। I often go to his home. I often go to his home. कौन जाएगा? Who will go? Who will go? तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। You were running very fast. You were running very fast. ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। This broken heart is saying something. This broken heart is saying something. हम राम को बिल्कुल नहीं जानते। We don't know Ram at all. We don't know Ram at all. हमने टीवी में किसकी लड़ाई देखी? Whose fight did we watch on TV? Whose fight did we watch on TV? उसने उस आदमी को जान से मार दिया। He killed that man. He killed that man. मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है? Which car is my friend driving? Which car is my friend driving? हम वहां गए थे। We had gone there. We had gone there. मैं और तुम किसके साथ खेल रहे थे? With whom were I and you playing? With whom were I and you playing? मैं किसके बारे में सोचती हूँ? Whom do I think about? Whom do I think about? वो अपने सपनों को साकार करेगा। He will fulfill his dreams. He will fulfill his dreams. वो घर से नहीं आया है। He has not come from home. He has not come from home. हम बहुत देर तक सोते हैं। We sleep till late. We sleep till late. माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होगी।
द मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड। द मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड। तुम कब तक यहाँ ठहरोगे? फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल पाई। आई कुड मीट यू ड्यू टू बींग एट होम। आई कुड मीट यू ड्यू टू बींग एट होम। वो घर पर रहना पसंद करता है। ही लव्स बींग एट होम। ही लव्स बींग एट होम। डांट खाने के बाद वो दुखी हो गया। हैविंग बीन स्कोल्डेड ही गॉट सैड। हैविंग बीन स्कोल्डेड ही गॉट सैड। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स। आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स। मुझे टीम में खेलने नहीं दिया जा रहा है। आई एम नॉट बींग लेट प्ले इन द टीम। आई एम नॉट बींग लेट प्ले इन द टीम। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलने को बेताब हो रहा हूँ। आई एम बींग क्रेजी टू मीट यू। आई एम बींग क्रेजी टू मीट यू। इस वक्त घर पर होना मेरे लिए जरूरी है। बींग एट होम इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। बींग एट होम इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। कभी कभी स्वार्थी होना अच्छा होता है। बींग सेल्फिश एट टाइम्स इज फेयर। बींग सेल्फिश एट टाइम्स इज फेयर। पकड़े जाने के डर से वो डरा हुआ था। ही वॉज स्कैर्ड ऑफ बींग कॉट। ही वॉज स्कैर्ड ऑफ बींग कॉट। आपसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जानी है। यू हैव टू बी इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस। यू हैव टू बी इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस। बच्चों को स्कूल में खिलौने दिए गए। किड्स वर गिवन टॉयज इन स्कूल। किड्स वर गिवन टॉयज इन स्कूल। उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? Why was he fired from the job? Why was he fired from the job? उसे घर पर रहने के लिए कहा गया है। He has been told to be at home. He has been told to be at home. मुझे 6 बजे तक ऑफिस में ही रहना है। I have to be in office itself till 6 o'clock. I have to be in office itself till 6 o'clock. कहा गया कि बिल्डिंग बनाई जा चुकी है। The building was said to have been constructed. The building was said to have been constructed. कमरे को साफ किया जा रहा था। The room was being cleaned. The room was being cleaned. उसे भेजा जा रहा होगा। He will be getting sent. He will be getting sent. मैं थक रही हूँ। I am being tired. I am being tired. वो बदल रहा है। He is being changed. He is being changed. उसे मुंबई नहीं भेजा जा सका। He could not be sent to Mumbai. He could not be sent to Mumbai. आपको पूछा जाना चाहिए था। You should have been asked. You should have been asked. वो दिल्ली में कभी नहीं रहा है। He has never lived in Delhi. He has never lived in Delhi. ये काम किया जाना है। This work is to be done. This work is to be done. स्वार्थी मत बनिए। Don't be selfish. Don't be selfish. आप थके हुए लगते हैं। You seem to be tired. You seem to be tired. हमें खुश किया जा रहा है। We were being made happy. We were being made happy. रोहित को पीटा जा रहा था। रोहित was being beaten. रोहित was being beaten. वो घर पर होना चाहिए। He should be at home. He should be at home. वो मेरे होने वाले पति हैं। He is my to be husband. He is my to be husband. मुझे बताया गया था।
I had been told. राहुल स्वार्थी हो रहा है. Rahul is behaving selfish. हमें भेजा जा रहा है. We are being sent. चार टिकटें बुक कर ली गई हैं. Four tickets have been booked. उसे किसके साथ भेजा गया? Whom was he sent with? चाय हर सुबह पी जाती है. Tea is taken every morning. दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है. Both the culprits have been identified. क्या उन्हें इस शरारत के लिए डांटा गया? Were they scolded for this mischief? ये लिखा जा चुका है. It has been written. उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था. He was known as a great warrior. तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है. A special food is being prepared for you. क्या उसे भेजा गया? Was he sent? तुम्हारे पास क्या है? What do you have? क्या मुझे जाना है? Have I to go? हमें नहीं खेलना है. We don't have to play. मुझे खेलना है. I have to play. हमें समझौता करना होगा. We will have to compromise. हमें घर जाना होगा. We will have to go home. वो बर्गर खा रहा है. He is having burger. उसने खाना खा लिया था. He had taken the food. हमेशा के लिए रख लीजिए. Have it for keeps. राहुल को सोचना पड़ रहा है. Rahul is having to think. मुझे जाना पड़ रहा है. I am having to go. मेरे पैर में दर्द है. I am having a pain in my leg. आप रख लीजिए ये पेन. You keep this pen. आपने उसे कॉल किया होगा. You would have called him. गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. वो निकल गया होगा. He would have left. कार होना मेरी दिली इच्छा है. To have a car is my wholehearted will. मेरा टाइम अच्छा कट रहा है. I am going through a good time. मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है. I am going through a good day. मैं 2 साल पहले यहाँ थी. I had been here two years ago. वो 2 साल पहले आया. He came two years ago. उसने नीचे की ओर देखा. He looked downwards. उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका. He threw the stone downwards. गुब्बारा ऊपर की ओर गया. Balloon went upwards. पत्थर को ऊपर की ओर फेंको. Throw the stone upwards. मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ. I am going upwards. पानी का स्तर बढ़ रहा है. Water level is going up. कीमतें बढ़ रही हैं. Prices are rising up. उसके बिना हम अकेले हैं. We are alone without him.
राम मेरे बिना नहीं जाएगा। राम विल नॉट गो विदाउट मी। राम विल नॉट गो विदाउट मी। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू। आई एम नथिंग विदाउट यू। हमने रात भर काम किया। वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया। आई लव्ड हिम थ्रू आउट माई लाइफ। आई लव्ड हिम थ्रू आउट माई लाइफ। हम उससे लंबे हैं। वी आर टॉलर देन हिम। वी आर टॉलर देन हिम। मैं तुमसे बेहतर हूँ। आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू। हमने सारी रात काम किया। वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। गुब्बारा ऊपर जा रहा है। बैलून इज गोइंग अप। बैलून इज गोइंग अप। वो दो दिन में ही वापस आ गया है। ही हैज कम बैक विद इन जस्ट टू डेज। ही हैज कम बैक विद इन जस्ट टू डेज। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से गया। His lecture passed over my head. His lecture passed over my head. वो रस्सी के ऊपर से कूदा। He jumped over the rope. He jumped over the rope. नदी के ऊपर एक पुल है। There is a bridge over the river. There is a bridge over the river. Guys, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे सिर के ऊपर छत है। There is a roof over our heads. There is a roof over our heads. मैं रस्सी के ऊपर से कूदी। I jumped over the rope. I jumped over the rope. वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। He is going towards hospital. He is going towards hospital. वो तुम्हारी तरफ आ रहा था। He was coming towards you. He was coming towards you. यह कुर्सी उस दुकान की है। This chair belongs to that shop. This chair belongs to that shop. वो राम का भाई है। He is Ram's brother. He is Ram's brother. उसके बारे में बात मत करो। Don't talk about him. Don't talk about him. पापा मेरे बारे में जानते हैं। Papa knows about me. Papa knows about me. वो मेरे बारे में बात कर रहा है। He is talking about me. He is talking about me. दोस्तों, अगर अभी तक आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मिलता है मोटिवेशन। वो मेरे विरुद्ध नहीं हो सकता। He can't be against me. He can't be against me. क्या तुम मेरे विरोधी हो? Are you against me? Are you against me? वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है। He is provoking him against me. He is provoking him against me. राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है? Why is Ram against you? Why is Ram against you? मैं घोड़े के ऊपर कूदी। I jumped upon the horse. I jumped upon the horse. हम लोग सोमवार को आएंगे। We all will come on Monday. We all will come on Monday. किताब लैपटॉप पर रखी है। The book is kept on the laptop. The book is kept on the laptop. मैं संडे को गई। I went on Sunday. I went on Sunday. वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। He is sitting on the elephant. He is sitting on the elephant. Pen table पर रखा हुआ है। The pen is kept on the table. The pen is kept on the table. 10 में से 3 के पास मोबाइल थे। 3 out of 10 had mobiles. 3 out of 10 had mobiles. यहाँ से बाहर निकलो। Get out of here. Get out of here. वह दिल्ली से बाहर जा चुकी है। He has gone out of Delhi. He has gone out of Delhi.
मैं घर से बाहर निकल रही हूँ। I am getting out of my home. I am getting out of my home. मेरे पापा कई लोगों के बीच थे। My dad was amongst many people. My dad was amongst many people. मैं भीड़ के बीच थी। I was amongst the crowd. I was amongst the crowd. गुब्बारा नीचे जा रहा है। Balloon is going down. Balloon is going down. मेरा नाम राम के नाम के नीचे है। My name is below Ram's. My name is below Ram's. वो पेड़ के नीचे बैठी है। She is sitting under the tree. She is sitting under the tree. पैसा प्यार से ऊपर है। Money is above love. Money is above love. Guys, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वो पक्का इसका उल्टा ही करेगा। He must do its opposite. He must do its opposite. तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। You will sit opposite to me. You will sit opposite to me. उसकी सोच मेरी सोच के विपरीत है। His thinking is opposite mine. His thinking is opposite mine. वो आपके कहे का उल्टा करता है। He does opposite of what you say. He does opposite of what you say. उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है। His thinking is opposite yours. His thinking is opposite yours. मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। My house is just opposite to your shop. My house is just opposite to your shop. मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी। I sent him my picture via Bluetooth. I sent him my picture via Bluetooth. ये ट्रेन कानपुर से होती हुई दिल्ली जाएगी। This train will go to Delhi via Kanpur. This train will go to Delhi via Kanpur. इसके पार एक जंगल था। There was a forest beyond it. There was a forest beyond it. सोच से परे भी चीजें हैं। There are things beyond imagination. There are things beyond imagination. उस नदी के पार क्या है? What is there beyond that river? What is there beyond that river? इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। There is a temple beyond this mountain. There is a temple beyond this mountain. पानी इस पाइप से गुजरा। Water passed through this pipe. Water passed through this pipe. वो खिड़की से झांक रहा है। He is peeping through the window. He is peeping through the window. हम सुरंग से गए। We went through an underpass. We went through an underpass. उसने मुझे इस छेद से देखा। He saw me through this hole. He saw me through this hole. मैं खिड़की से तुम्हें देख सकती हूँ। I can see you through the window. I can see you through the window. पानी इस पाइप से गुजर रहा है। Water is passing through this pipe. Water is passing through this pipe. हम भूमिगत रास्ते से गए। We went through the underpass. We went through the underpass. मैं एक गली से गुजर रही थी। I was passing through a street. I was passing through a street. मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकती हूँ। I can see inside through this hole. I can see inside through this hole. हम जन्मदिन पर आए थे। We had come at birthday. We had come at birthday. वो रात में हॉस्पिटल गया। He went to hospital at night. He went to hospital at night. अमन अब 10 बजे सोता है। अमन sleeps at 10 now. अमन sleeps at 10 now. वो उसके जन्मदिन पर वहां जाएगा। He will go there at his birthday. He will go there at his birthday. मैं दिवाली पर घर आऊंगी। I will come home at Diwali. I will come home at Diwali. मैं होली पर घर आऊंगी।
I will come home at Holi. I will come home at Holi. यह फल 10 रुपए किलो बिक रहा है। This fruit is being sold at rupees 10 a kg. This fruit is being sold at rupees 10 a kg.